कोविड-19 छह राज्य विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के खिलाफ। एचआरडी ने कहा छात्रों का मूल्यांकन अहम। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ कविता एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कविता इज हेयर। तो चलिए इनसाइड स्टोरी को क्लेरिफाई करते हैं। कोविड-19 महामारी के कारण छह राज्यों ने अपने विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर आपत्ति जताई है। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना है और विश्वसनीयता व रोजगार अवसरों के लिहाज से छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन अहम है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने पिछले हफ्ते अपने संशोधित दिशा निर्देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया था कि अंतिम वर्ष की परीक्षा जुलाई 2020 के बजाय सितंबर 2020 में आयोजित की जाएगी। UGC द्वारा अप्रैल में जारी दिशा निर्देश में जुलाई 2020 में परीक्षा कराने को कहा गया था। पंजाब, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने कोविड-19 की स्थिति के मद्देनज़र परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जाहिर की थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिशा निर्देश में ये नहीं कहा गया है कि परीक्षा तत्काल कराई जानी है, परीक्षाएं सितंबर के अंत तक पूरी करानी है। इस समय अवधि में जब भी व्यवहारिक को राज्य परीक्षा कार्यक्रम पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर दोनों के मिले जुले स्वरूप में ली जा सकती है। UGC दिशा निर्देश बाध्यकारी प्रकृति के हैं। अधिकारी ने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। परीक्षा में प्रदर्शन से विश्वास आता है और छात्रों को संतुष्टि मिलती है। इसके साथ ही ये वैश्विक स्वीकार्यता के लिए भी आवश्यक क्षमता प्रदर्शन और विश्वसनीयता का प्रतिबिंब है। मानव संसाधन मंत्रालय इस हफ्ते राज्यों के शिक्षा सचिवों से मुलाकात कर सकता है, जिससे अंतिम वर्ष के छात्रों के आकलन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके। अधिकारी ने कहा कि UGC अधिनियम के मुताबिक आयोग के निर्देश से बाध्यकारी हैं। फिलहाल परीक्षा कराने की योजना काफी हद तक अपनी जगह कायम है। मंत्रालय राज्यों की चिंताओं पर चर्चा करने और व्यवहारिक समाधान पर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन शैक्षणिक विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने का विकल्प चुना और ऑनलाइन परीक्षा कराने जैसे विकल्प अपनाएं। तो आई होप यू विल अप्रिशिएट दिस एफर्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।